हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे धातु रोग या शुक्रमेह के लिए दो रामबाण आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में। तो जानने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। शुक्रमेह युवाओं के लिए एक बुरे सपने के समान बीमारी है। इसको अंग्रेजी में स्पमेटेरिया कहते हैं। पेशाब करते समय या मूत्र त्याग करते समय चिपचिपा पदार्थ या धातु निकलता है, जिसको उर्दू में कतरा आना बोलते हैं। असल में शुक्रमेह या धातु रोग शारीरिक दुर्बलता की वजह से होता है। यहाँ पर मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि धात आने की वजह से दुर्बलता नहीं होती है, बल्कि पहले से दुर्बल शरीर के कारण धातु रोग होता है। अक्सर युवा इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि धात आने से उनको कमजोरी महसूस होती है और उनके चेहरे की रौनक या कांति चली जाती है। ये सिर्फ उनका वहम होता है। शुक्रमेह या धातु रोग क्यों होता है, आइए जानते हैं। शरीर में किसी वजह से आई कमजोरी पेल्विक मांसपेशियां, जो पेशाब निकालने को नियंत्रित करती हैं, को भी कमजोर के देती है, जिसके कारण पेशाब के साथ साथ प्रोस्टेट ग्रंथि में बनने वाला द्रव्य यानी कि शुक्र भी पेशाब के साथ आने लगता है। शुक्रमेह से होने वाले नुकसान। शुक्रमेह का रोगी शीघ्र पतन और नपुंसकता का शिकार हो जाता है। शुक्रमेह से पीड़ित पुरुष संभोग का बिल्कुल भी आनंद नहीं के पाता, बल्कि उसको यही चिंता सताती है कि कैसे वो अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सके। धातु रोग से पीड़ित व्यक्ति सही समय पर उपचार न मिलने पर पूरी तरह नपुंसक भी हो सकता है। शुक्रमेह के उपचार के लिए रामबाण आयुर्वेदिक उपचार। इसका इलाज करने के लिए जरूरी है शारीरिक दुर्बलता और वीर्य के पतलेपन को दूर करना, और इसके लिए हर्बल मेडिसिंस, व्यायाम और मालिश की जरूरत होती है। वीडियो हम सर्वाधिक कारगर आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं बता रहे हैं, जिनका 100% परिणाम मिलता है। धातु पौष्टिक चूर्ण। ये आयुर्वेद का एक अत्यंत उपयोगी योग है और ऋषि मुनियों के समय से इसको तैयार किया जाता रहा है। ये योग सभी प्रकार की पुरुष यौन समस्याओं, खासतौर से धातु रोग या शुक्रमेह का रामबाण उपचार है। धातु पौष्टिक चूर्ण शतावरी, सफेद मूसली, अश्वगंधा, बीजबिंद और बिदारीकंद जैसी ऐसी सभी देसी दवाओं का संतुलित मिश्रण है, जो दुर्बल शरीर को शक्ति देता है और वीर्य को गाढ़ा बनाता है। धातु पौष्टिक चूर्ण वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाता है और नपुंसकता यानी कि लिंग में ढीलेपन को दूर करने में भी सहायक है। ये अद्भुत आयुर्वेदिक दवा किशोरों में होने वाली स्वप्न दोष की अधिकता में भी फायदेमंद है। धातु पौष्टिक चूर्ण की खुराक। इस चूर्ण या पाउडर को 5 सेकंड 10 ग्राम दिन में 2 बार हल्के गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। धातु पौष्टिक चूर्ण दिन में और रात में किस समय लेना चाहिए? सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद ले सकते हैं। धातु पौष्टिक चूर्ण कितने दिन तक लेना चाहिए? धातु पौष्टिक चूर्ण एक सुरक्षित आयुर्वेदिक औषधि है और इसको लंबे समय तक लिया जा सकता है। इसका अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए लगभग 6 महीने तक इसका सेवन करना चाहिए। क्या धातु पौष्टिक चूर्ण का कोई विकल्प भी है? जी हां, धातु पौष्टिक चूर्ण के कुछ बहुत अच्छे विकल्प भी उपलब्ध हैं। अगर किसी वजह से आपको धातु पौष्टिक चूर्ण उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आप सुपारी पाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शतावरी कल्प भी इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव है। सुपारी पाक, ये भी एक धातु पौष्टिक चूर्ण की तरह ही पूर्णतया हर्बल आयुर्वेदिक दवा है, जिसको सुपारी या छाली, बेताल नट, पला, जायफल, दालचीनी, हरीतकी, आंवला, शतावरी, मखाना, गोखरू और दूसरी कई सारी जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। सुपारी पाक स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए उपयोगी है और शारीरिक दुर्बलता को दूर करता है, वजन बढ़ाता है और वीर्य को पुष्ट करता है। बॉडी बिल्डिंग के इच्छुक युवक भी बॉडी बनाने के लिए इस औषधि का सेवन कर सकते हैं। कुछ कंपनियां सुपारी पाक में रसायन भी मिला देती हैं, तो उसकी कंपनी का सुपारी पाक खरीदे जिसमें रसायन न हो। सुपारी पाक की खुराक और परहेज। नवयुवक 20 साल से कम के पुरुष 5 ग्राम दिन में 2 बार हल्के गर्म दूध के साथ लें और 20 साल से ऊपर के पुरुष 10 ग्राम दिन में 2 बार। पूर्ण लाभ के लिए कम से कम 6 महीने तक इस्तेमाल करें। मसालेदार और तला भुना खाना न खाएं। अत्यधिक संभोग और हस्तमैथुन से बचें। दोस्तों, शुक्रमेह को दूर करने के लिए व्यायाम एवं लिंग की मालिश भी कारगर हैं। संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लिंक पर क्लिक कर पूरी वीडियो देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।